अच्छा लग रहा है तो मैं तो चल रही हूँ फिर तो पिक्चर क्लिक करने के लिए। और यहाँ पे हमारे तुलसी माता का नया पौधा उगा हुआ है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने। तो अभी देखिए, आकृति का चावल भी फ्राई करना है आज, क्योंकि आकृति कल रात से ही बोल रही थी चावल फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर आकृति और बाबू दोनों लोग बैठे हुए हैं। आकृति देखो, यहाँ आकृति भी ब्रश ली है अपना और बाबू जस्ट अभी उठा है। बाहर से रोशनी बहुत तेज आ रही है। तो मैं चलती हूँ, पहले अपना दाल रख देती हूँ बनाने के लिए। और आज मुझे पालक का दाल बनाना है। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग बोलो, सबको गुड मॉर्निंग बोलो बे। तू देवांशु मत जी, तुम क्यों पसंद करेंगी? तुम जाओ ब्रश करो, करते ब्रश नहीं हो ना, गंदी बात सकती हो। बाबू तुम सबको गुड मॉर्निंग बोल दो बेटा। गुड मॉर्निंग। पालक के दाल के लिए मैं पालक और टमाटर को धो ली हूँ। साथ में अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट और ये मिक्स वाला दाल है जिसमें उड़द अरहर चना और मूंग का है। तो पहले मैं पालक को काट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं टमाटर को कट कर लेती हूँ। उसके बाद दाल जो है हम उसको कुकर में डाल देते हैं। उसके बाद हमारा लहसुन अदरक मिर्च का जो पेस्ट है और साथ में हींग भी मैं उसको डाल देती हूँ। फिर उसके बाद पानी, नमक और हल्दी। उसके बाद मैं कुकर को बंद करके गैस पे चढ़ा देती हूँ और 5 से 6 सीटी आने के लिए मैं छोड़ दे रही हूँ गैस पे। तो मैं चल रही हूँ अब चावल फ्राई करने के लिए। तो कढ़ाई को चढ़ाती हूँ और जैसे ही कढ़ाई हमारा गर्म हो गया मैं इसमें ऐड कर दी सरसों का तेल, साथ में जीरा। और जैसे ही हमारा जीरा हो जाएगा और मैं इसमें 1 चम्मच घी भी ऐड की हूँ। तो जीरा जैसे ही हमारा हो जाएगा इसमें मैं टमाटर, प्याज, अदरक और मिर्च को ऐड कर देती हूँ और इसको चला देती हूँ। और चलाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ हल्दी पाउडर और साथ में ऐड कर दे रही हूँ चना जो कि मैं रात में भिगोई थी कल का। और उसके बाद इसमें ऐड कर दे रही हूँ हल्दी पाउडर और नमक और फिर इसको मैं ढक देती हूँ पकने के लिए। तो जैसे ही हमारा पक जाएगा आलू, उसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ कलौजी का मसाला 1 चम्मच। तो कलौजी का मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ चावल, और चावल को मैं इसमें ऐड करने के बाद ऐड कर देती हूँ धनिया पत्ती और फिर मैं कर दूँगी इसको अच्छे से मिक्स। तो फिर इसके बाद तैयार हो जाएगा हमारा फ्राई। तो यहाँ हमारा फ्राइड राइस तैयार हो गया। अब मैं चलती हूँ, देखती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। जब आदमी ज्यादा तैयार होता है ना उस दिन घुमाना चाहिए, ठीक है? क्या दे? तो अब मैं दाल देने जा रही हूँ दाल में तड़का। तो यहाँ पे 5 फोरन ऐड कर दी हूँ हींग और साथ में लहसुन अदरक और साथ में खड़ा लाल मिर्च। तो जैसे ही हमारा हो जाएगा इसमें ऐड कर दूँगी धनिया पाउडर, गरम मसाला और इसको अच्छे से कर दूँगी मिक्स। फिर इसमें मैं ऐड कर देती हूँ दाल को और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। तो आज थोड़ा सा गला मेरा ख़राब हो गया है, तो अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा मुझे। और इसके बाद मैं ऐड कर दे रही हूँ धनिया पत्ती, फिर इसको भी अच्छे से कर दे रही हूँ मिक्स। और इसको ले जाके अब कुकर वाले दाल में डाल देती हूँ और यहाँ इसको अच्छे से कर दूँगी मिक्स। तो हमारा दाल तड़का यहाँ पर तैयार हो गया। तो मैं जा रही हूँ इनको देने के लिए ब्रेकफास्ट। तो आज दोपहर में घर पे नहीं आने वाले हैं इसलिए मैं इनको रोटी, कलौजी, अचार, दाल और फ्राइड राइस दे रही हूँ खाने के लिए। तो नीचे उतरो, कुर्सी पर रहोगे? उतर जाओगे? उतरो। तो अभी सारा काम हो गया है और मशीन में कपड़ा डाली हूँ सूखने के लिए। और हफ्ता में 1-2 दिन ऐसा आता है जब इन लोग को बोलना पड़ता है नहाने के लिए, तो हफ्ता का वो पहला दिन आ जाए तो मुझे जाके प्रेशर देना पड़ेगा उन लोग को नहाने के लिए। तो चलती हूँ, पहले मैं आकृति को बोलती हूँ नहाने के लिए। बाहर आकृति कब नहाओगी? नहा लियो ना प्रज्वल, प्रज्वल नहा लियो ना, दोनों नहा लिए हैं आज। आकृति चलो चलो नहाने। तो यहाँ पर मैं लंच लगा ली हूँ सबके लिए। ये बाबू का थाली है
और ये आकृति का, और ये थाली मम्मी का है। तो आकृति रोटी नहीं लेती दोपहर में जल्दी, तो चावल दाल और कलौजी खाएगी, और बाबू को रोटी चावल और दाल कलौजी, और ये मम्मी का है। मैं जा रही हूँ सबको लंच देने के लिए। अभी आपके बजने वाले हैं 4:30, और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और यहाँ पर आकृति और देवासी को लोग सो गए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मुँह धोने और रखने जा रही हूँ चाय बनने के लिए, उसके बाद फिर मैं इन लोग को जगाती हूँ। मेरा क्लेचर है, हम बिस्तर पर दबा हुआ था, तो पहले मैं जो भी मुँह धो लेती हूँ उसके बाद इन लोग को जगाती हूँ, और चाय भी रख देती हूँ साथ में। तो मैं अभी अपना मुँह धोकर आ गई हूँ किचन में, और अभी थोड़ा फ्रेश लग रहा है फ्रेश, क्योंकि बहुत भारी भारी सा हो गया था सर उस टाइम पे। और यहाँ पर मैं अपना चाय रख गई हूँ, तो जो थोड़ा सा दूर बचा बचता है भगोने में, तो मैं भगोने में ही चाय रख देती हूँ, और भगोना फिर धो लेती हूँ शाम को जब दूध आता है तो इसमें रखने के लिए। तो भी हमारा चाय यहाँ पर उबलना स्टार्ट हो जाएगा, और मैं चल रही हूँ अदरक कद्दूकस करने के लिए चाय में डालने के लिए, क्योंकि मम्मी तो पता ही है कि चाय में अदरक नहीं पीती हैं। तो मैं चलती हूँ अदरक को कद्दूकस कर लेती हूँ, और यहाँ पर मैं दोपहर में जो बर्तन धोए थे वैसे ही छोड़ दी थी, अभी इसको भी रेकर में रखना है, तो चल रही हूँ मैं इसको रेकर में रख देती हूँ। तो आज मैं जो चाय के साथ बनाने जा रही हूँ वो है हेल चाय। तो उसके लिए है लाल मिर्च पाउडर और काला नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, पत्ता गोभी, टमाटर, प्याज, और धनिया मेरे पास नहीं है, और उसके बाद मैं मिर्च नहीं ऐड की हूँ। और उसके बाद ये है हमारी नमकीन, आपकी नमकीन है जो हम लोग की फेवरेट है, हमारे मायके में ही ज़्यादातर मिलती है, वहाँ से आकृति लाई है, तो इसको मैं ऐड कर दे रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा मैं नींबू ऐड करूँगी, उसके बाद मैं इसको अच्छे से कर देती हूँ मिक्स। तेल चाट और धनिया पत्ती रहता तो और टेस्टी लगता और देखने में भी अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, बिना धनिया का पत्ती का भी टेस्ट इसमें आएगा। और ये नमकीन सचमुच में इतनी टेस्टी है कि थोड़ा सा भी इसमें कुछ ऐड कर दिया जाता है अपने आप में स्वाद बन जाती है। तो मैं चल रही हूँ आकृति को जगाने। तो आकृति भी सोई हुई है यहाँ पर, और मैं अपना नमकीन और चाय लेकर आ गई हूँ, तो अभी जगाती हूँ। आकृति देखो क्या बनाया है तुम्हारे आरती नमकीन का, और चाय बनाया आज, इधर देखो थाली में देख लो, इधर देखो बाबू उठ गया। अरे मैं तो आकृति को जगा रही थी, बाबू चाय के नाम पर जाग गया। अरे उठो जी, छाम हो गया, अभी वो भी छो जाएगा। ये देखो देखो आकृति क्या बना के लाए हैं, इधर देखो देखो तुम्हारे लिए क्या बना के लाए, ऐसे इधर देखो महक आ रही बाबू। आकृति देखो क्या है, हाथ खोल देखो एक बार क्या है। अरे मैं बिस्तर पे गिर जाएगा, देखो तो बाबू सबसे फर्स्ट है, क्या के नाम पर तुरंत दौड़ा हुआ है, दौड़ा दौड़ा ये कौन सा पियोगे इसका भी, उसमें पापा पिए हैं बाबू बड़े वाले में ना। अच्छा आज बड़े वाले कप में बाबू पिएगा सच्ची पक्का, दे दे बड़े वाले कप में, और साथ में क्या खाओगे, वाला नमकीन खाओगे वही वाला है जो रात में कटोरे में खा रहे थे। नहीं रख दी उठ गई चाट के नाम पे। तो अभी मैं आ गई हूँ बाहर थोड़ा टहलने के लिए, और कल पेड़ में रात को पानी डाले थे तो इतना सारा गुलाब निकला है यहाँ पे, और सुबह में कुछ मम्मी तोड़ ली थी पूजा करने के लिए, और अभी इतने सारे बच्चे हैं जिसमें से कुछ बच्चे भी तोड़ दिए थे, और उस वाले पेड़ में एक दो पीस आया है, और वहाँ पे भी हमारा कपड़ा उतारना है, तो थोड़ी देर में मैं उसको उतार लेती हूँ। तो थोड़ी देर में बैठने वाली हूँ बाहर, और मुझे वाला फिर इस टाइम पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं तो चल रही हूँ दो पिक्चर क्लिक करने के लिए। और यहाँ पे हमारे तुलसी माता का नया पौधा उगा हुआ है, तो अभी मैं इनको बुलाई हूँ बाहर, देखिए आते हैं कि नहीं, और मैं तो आगे में थोड़ा देर यहाँ पर टहलूँगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ, और अभी आए हैं यहाँ पर बाबू का साइकिल बनाने के लिए, उसके साइकिल का साथ चैन उतर गया है तो चलाने के लिए है। और मैं इसके पहले वाले वीडियो में डाली थी कि मेरे पैर में चोट लग गया है, तो जो मेरे अपने खास थे जो मुझे समझते थे कि मतलब ज़रूरी है पूछ लेना कि दीदी को क्या हुआ है, वो तुरंत फ़ोन किए और पूछे कि क्या हुआ है क्या हुआ है। और उसमें से तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जान के भी अनजान बन गए, वो तो वीडियो देख के भी जानने की कोशिश नहीं की है कि मेरे साथ पे क्या हुआ है।
तो जो मेरा हाल लिया है और जानने की कोशिश किया है कि मुझे कैसे चोट लगी है, मैं तो उसके ऊपर बहुत खुश हूँ और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि मैं जिससे उम्मीद लगाई थी वो फ़ोन मुझे किया है, और जिससे मैं उम्मीद लगाई थी कि करेंगे फ़ोन, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनापन तो जताते हैं पर पूछने की कोशिश नहीं किए हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि दिखावटी वाला प्यार मत करिए, उतना ही प्यार करिए जितना हम मैं एडजस्ट कर पाऊँ और आप लोग भी एडजस्ट कर पाओ। तो दिखावे का प्यार थोड़ा कम कर दो, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं कि आप लोग फ़ोन नहीं किए हो, बस मुझे इस बात का अफसोस हो कि इतना अपन आप लोग जताते हो और जब मेरा वीडियो देखे कि मुझे चोट लगा है तो एक बार ही फोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं समझे आप लोग, मुझे फ़ोन करना है। और वहाँ पर आकृति आई साइकिल लेके भी अपना, और बोल रही कि मैं गई थी लकी के साथ साइकिल चलाने, तो साथ लकी चला गया है और वहाँ पे बाबू का साइकिल का चैन चढ़ा रहे हैं। ठीक है लकी, साइकिल आएगी तो मिठाई चढ़ा के हमको देना खाने के लिए। हाँ हम वेट करेंगे। तो लकी की साइकिल आएगी तो लकी मिठाई चढ़ाने वाला है, पहले ही आके बताया गया है मुझसे कि मेरी साइकिल जब आएगी तो मैं मिठाई चढ़ाने वाला हूँ। तो मैं अभी जस्ट बाहर से आई हूँ अंदर, और अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी कट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ सब्ज़ी कट कर देती हूँ, और ये बोरा है जिसको हम लोग बीन्स भी बोलते हैं। तो आज आलू और बोरा की सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ, पहले मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। और वहाँ पे बाबू बैठा हुआ है, तो अभी हमारी सब्ज़ी यहाँ पे कट गई है और कढ़ाई में मैं तेल डालती हूँ, और यहाँ पे हमारा मसाला पीस के रखा हुआ है। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं सब्ज़ी बना के आटा गूंथ के रख लूँगी और रोटी बनाऊँगी बाद में। मैं सब्ज़ी इसलिए बना ले रही हूँ क्योंकि बाबू लोग जो नानी के यहाँ गए थे कपड़ा पहन के सब लोग आए थे और वहाँ पे पहने थे, तो सब साफ़ कर दी हूँ और मुझे करना है प्रेस। तो इसलिए मैं सब्ज़ी बना के आटा गूंथ के जाऊँगी प्रेस करने के लिए, और कुछ कपड़े इनके भी पड़े हुए प्रेस करने के लिए, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं सब्ज़ी बना ली रहूँगी, मुझे रोटी बनाना रहेगा, और मैं ऐड कर रही हूँ 5 फोरन। तो मैं अपने सब्ज़ी को ढक दी हूँ यहाँ थोड़ी देर पकने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे दूध भी आ गया है और सब्ज़ी भी आ गई है और आकृति भी आ गई है, और आज नींबू आया है, नींबू ख़त्म हो गया था। ये वही इंसान है जो दूध में पानी मिलाता है, आज कैमरे में कैद हो गया है। GHP क्या करने जा रहे हैं? तो पहले ही बता दी होती मैं भी सब्जी नहीं बनाई होती, मैं भी GHP घुमाई होती। आज मत चलिए, कल चलिएगा। तो यहाँ पे मैं सब्जियों को 2-3 मिनट छोड़ी थी पकने के लिए, तो थोड़ा सा अपना कलर चेंज हो गया, तो इसमें मैं मसाले को ऐड कर दी जिसमें प्याज अदरक मिर्च और लहसुन का पेस्ट है, साथ में धनिया पाउडर और गरम मसाला, हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो इसको अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट में ढक देती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के। तो जैसे इसका मसाला अच्छे से भून जाएगा तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। तो अभी हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, अब मैं चलूँ इसमें ऐड करने पानी। तो पानी मैं इतना ही ऐड करूँगी जितना हम लोग को सब्ज़ी खाना है, और इसको अब छोड़ देती हूँ पकने के लिए, और उसके बाद हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो अभी हम लोग पीने जा रहे हैं नींबू का चाय, और उसके बाद करना है हमको कपड़ा पोंछना का और आकृति का क्या। तो अभी मैं यहाँ पे कपड़ा प्रेस कर रही थी, और गौरा का आज बर्थडे है, तो अभी बाबू और आकृति जा रहे हैं वहाँ से इन्वाइट आया है इन लोग के लिए, तो ये लोग जा रहे हैं गौरा के बर्थडे में। तो अभी बाबू तैयार हो गया है और आकृति तैयार होने के लिए जा रही है। तो यहाँ पे कपड़ा हमारा प्रेस हो गया है, और बच्चे लोग चले गए पार्टी में, और मम्मी बोली कि वो नहीं खाएंगे क्योंकि उनके पेट में भी दर्द होने लगा है। तो बस हम और ये 2 लोग खाने वाले बच्चे हैं, तो मैं जा रही रोटी बनाने। तो हमारा डिनर बन के रेडी हो गया है, यहाँ पे रोटी और सब्जी और साथ में सलाद, तो मैं जा रही हूँ उनको खाना। ओ, रोटी। तो अभी मैं उनको डिनर दे दी हूँ और अभी रोटी देने जा रही हूँ क्योंकि वो खा रहे हैं, वो खा लेंगे तो मैं भी खा लूँगी। तो अभी रात के 10 बजने वाले हैं, मुझे इस वीडियो का एडिटिंग करना है, तो मैं इसका यहीं पर कर रही हूँ एंड, और बाहर बैठे 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 एडिटिंग भी कर लूँगी और वेट भी यहीं से कर लेती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।